will begin with a box and a Pirelli's boxes. But hello Chintu bete. Hello daddy. आप आ गए? चिंटू बेटे, मेरे आने से तुम्हें इतनी खुशी क्यों होती है? खुशी नहीं होती है, ताजुब होता है। क्योंकि कभी-कभी आप ओवरटाइम भी करते हो ना? ठीक है, तुम्हारी मम्मी कहाँ है? मम्मी तो पुलिस स्टेशन गई है। पुलिस स्टेशन? किसके साथ? गंगा मौसी के साथ। गंगा मौसी के साथ गई मतलब मेरी कंप्लेंट करने के लिए गई होगी। अरे केशु तुम आ गए, ये लो मिठाई खा लो। क्यों, कब आ रही है पुलिस मुझे गिरफ्तार करने के लिए? गिरफ्तार करने के लिए पुलिस? हाँ, तुम गंगा मौसी के साथ पुलिस स्टेशन गई थी ना? ओह, अरे तुम्हारी शिकायत लेकर थोड़े गई थी। तो फिर? वैसे पुलिस तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती केशु। तो फिर किस लिए गई थी? वो अपनी नुक्कड़ वाली शांतिनगर झोपड़पट्टी है ना? हाँ हाँ, जहाँ से गुजरते वक्त नाक पर रुमाल रखना पड़ता है वो। हाँ, बस वही, उसे हटाने की मांग लेकर हम सारी औरतें पुलिस के पास गई। रहने तो कोई फायदा नहीं, वहाँ से पुलिस स्टेशन हट जाएगा लेकिन झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। अरे लेकिन थानेदार ने हमें आश्वासन दिया है। तो बराबर है, आश्वासन देने के लिए ही होता है। देखो मिस्टर केशव कुलकर्णी, बोलो, कल शाम तक झोपड़पट्टी हटेगी, जरूर हटेगी। ओके, हटेगी। नहीं हटेगी, वो झोपड़पट्टी नहीं हटेगी। ये क्या कह रही हो गंगा मौसी? हाँ, अरे अभी तक तो मैंने मिठाई का बॉक्स भी नहीं खोला है। ये बॉक्स वापस कर दो, वो झोपड़पट्टी वहाँ से नहीं जाने वाली। लेकिन क्यों? अभी अभी मैंने खबर सुनी है कि उन झोपड़पट्टी वालों के लिए कोई भूख हड़ताल कर रहा है। कौन कर रहा है भूख हड़ताल? प्रेमा शालिनी। आप सच कह रहे हैं केकू जी? अच्छा हुआ आपने मुझे बता दिया, थैंक यू वेरी मच। डॉल, डॉल, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? डॉल, आई डोंट नो, तुम क्या सुन रहे हो? तुम भूख हड़ताल करने जा रही हो? यस yes, कल से तुम सिर्फ अपने लिए खाना बनाना बस। लेकिन डार्लिंग, ये मामला क्या है? मामला बहुत सिंपल है, मुझे एक फिल्म में गरीब औरत का रोल प्ले करना है। तो फटे हुए कपड़े पहन लेती? प्रोड्यूसर कहता है फटे हुए कपड़ों में मैं और भी सुंदर लगती हूँ। तो डॉल डाइटिंग कर लेती? तुम्हें मालूम है डाइटिंग से मेरा वजन बढ़ता है घटता नहीं है। ओफो, लेकिन फिर भूख हड़ताल वो भी उस झोपड़पट्टी के लिए क्यों? दिल, उस झोपड़पट्टी में हमारा वो स्पॉट बॉय है ना विजय, वो रहता है। कल मेरे पास आया रोता रोता बेचारा, कहने लगा मैडम मेरा झोपड़ा गिराया जा रहा है। मैंने कहा जब तक मैं हूँ ऐसा नहीं हो सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा अंतिम वक्त तक साथ दूंगी, मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी, मैं तुम्हारे लिए भूख हड़ताल करूंगी, मैं तुम्हारे लिए। अच्छी स्पीच थी ना? वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन ये सबसे फायदा क्या है? दो फायदे हैं। कौन कौन से? फिल्म के लिए मेरा वजन घट जाएगा और समाज में मेरा वजन बढ़ जाएगा। लेकिन समाज में वजन बढ़ने से फायदा? दूर की सोचो दिल, अगर कभी एक्टिंग में मैं फ्लॉप हो गई तो पॉलिटिक्स में तो हिट रहूंगी ना। वाह वाह, लंबी उड़ान है। शांतिनगर में रहने वाले मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज तक मुझे ये लगता था कि बड़े बड़े फ्लैटों में और बंगलों में रहने वाले लोगों के दिल में हम झोपड़ी वालों के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन आज हमारे यहाँ आकर प्रसिद्ध अभिनेत्री प्रेमा शालिनी जी ने ये बात झूठ साबित की है। हमारा शांतिनगर, हमारी झोपड़पट्टी ऐसी की ऐसी बरकरार रहे करके प्रेमा जी आज से भूख हड़ताल कर रही है। अब मैं आप सब की ओर से प्रेमा जी से विनती करता हूं कि वो चंद शब्द आपको कुछ बताएं। शुक्रिया जी। तालिया भाई, तालिया। भाइयों और बहनों, वैसे तो मैं भाषण देने की आदत नहीं है मुझे, मैं तो केवल रटे हुए और लिखे हुए डायलॉग ही बोलती हूँ। लेकिन एक बात मैं आपसे आज जरूर कहूंगी कि मैं वाकई आप लोगों के लिए भूख हड़ताल कर रही हूँ। शांत हो जाइए, ये एक्टिंग नहीं है। और एक और ऐलान मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। तालियां। शांति, शांत, शांत। ये क्या बीच में तालियां बजाते हैं? शांत हो जाइए। एक और ऐलान कि जब तक कोई नेता खुद आपकी बस्ती में आकर आप लोगों को ये आश्वासन नहीं देता कि आपकी बस्ती का एक भी झोपड़ा गिराया नहीं जाएगा, तब तक मैं अपना ये अनशन समाप्त नहीं करूंगी। नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। नमस्ते। बधाई हो प्रेमा जी, बधाई हो। धन्यवाद, धन्यवाद।
निमा जी धन्यवाद। हाँ जी आपके लिए कुछ खाने पीने के लिए ला। हाँ, नहीं ये क्या कह रहे हैं आप? कुछ मैं पूरी पानी नहीं, मैं यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही हूँ। केशव जी नमस्ते। फोटो जो करना है फोटो प्लीज। वाह क्या बात है। क्या बात है बॉम्बे वाला? आज दोपहर के अखबार में फोटो। लेकिन किसकी? प्रेमा शालिनी की। अरे इसमें ताजुब की क्या बात है, प्रेमा जी की फोटो तो हर रोज छपती है। साथ में कुलकर्णी भी है। देखो 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 देखो, प्रेमा शालिनी की अनिश्चित काल के लिए भूख हड़ताल। लेकिन क्यों कर रही है प्रेमा शालिनी भूख हड़ताल? झोपड़पट्टी वालों के लिए। कुलकर्णी के झोपड़पट्टी में रहते? नहीं लेकिन लगता है आप जाएंगे। केशव तुम थर्ड क्लास आदमी हो, कभी नहीं सुधरोगे। अरे ये प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आई एम सॉरी सर। ठीक है केशव। यस सर। तुम मेरी तरफ से उनके लिए शाम को मौसमी का जूस ले जाओ बेटा। लेकिन सर मौसमी का जूस तो हड़ताल समाप्त करने के लिए दिया जाता है और ये काम किसी लीडर का है, मेरा और आपका नहीं। अच्छा। अरे तो ठीक है तुम मेरी तरफ से उनके लिए कुछ फूल तो ले जा सकते हो। नहीं सर वो भी पॉसिबल नहीं है, झोपड़पट्टी वालों ने मना किया है। क्यों? क्योंकि पिछली बार एक अभिनेत्री ने उनके लिए अनशन किया था और किसी ने उसको फूल भेजे और वो अभिनेत्री भूख के मारे उन फूलों को ही खा गई थी। तो हमारी प्रेमा जी क्या भूखी रह जाएगी बेचारी? डॉल डॉल ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें क्या हो गया डॉल? दिल हाँ मेरे पास आओ इस वक्त। चुपचाप मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या क्या बोलो? मुझे भूख लगी है, जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाओ ना। डॉल तुम्हें अभी अनशन करके पूरे 48 घंटे भी नहीं हुए, बातें कम करो खाना लेकर आओगे। डॉल तुम भूल रही हो, अरे कल कोई नेता आएगा तुम्हारा अनशन तोड़ेगा, तभी तो हेडलाइन की न्यूज बनेगी, तुम्हारी पेपर में फोटो आएगी। अरे पॉलिटिक्स में जाना है तो ये सब तो करना पड़ेगा ना। क्या कर रहे हो? मैं चिकन टंगड़ी कबाब खा रहा हूँ। और क्या तुम या मैं भूखी प्यासी हूँ और तुम चिकन टंगड़ी कबाब खा रहे हो? तुम भूखी प्यासी नहीं हो डॉल, तो तुम भूख हड़ताल पर हो। तुम मेरा साथ नहीं दोगे? बिल्कुल नहीं दूंगा, मुझे तुम्हारी तरह पतला थोड़ी होना है। थोड़ा दो ना। दो? प्लीज। अच्छा देता हूँ, यहाँ पर रख दो। बेटा इधर आओ, इधर आओ, छुपा कर रख दो यहाँ पर। इधर आओ बेटा, मैं खा लूंगी। इधर आओ, यहाँ रख दो। ये लो बेटा, सब मिल बांट के खाओ, जाओ शाबाश। तुमने होगी पैसे मैं हूँ और तुमने बच्चों में भर दिया, मत खाना। अरे गरीब बच्चों को दूंगा तो उनकी दुआएं मिलेंगी, तुम्हें दूंगा तो जूतियां पड़ेंगी पब्लिक की। पेट भर गया, और तुम जानती हो कि पेट भर जाए तो मुझे नींद आ जाती है। अच्छा डार्लिंग मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ठीक है कोई बात नहीं, अनशन खत्म हो जाने दो, जूतियां तो मैं खिलाऊंगी तुम्हें। I'll never forgive you. प्रेमा जी। ओ केशव जी आप? प्रेमा जी। How are you? I'm not at all fine. But thank you for asking. केशव जी, अगर मुझे कुछ खाने को नहीं मिला ना तो मैं पागल हो जाऊंगी। नहीं 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 ऐसा मत कहिए, वरना मैं पागल हो जाऊंगा। आइडिया, मैं क्या करता हूँ प्रेमा जी, आपके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। Really? Okay. Any special dish? Whatever you wish. Oh, my wish. Okay. I'll bring some fish. केशव जी, जल्दी आना। Okay. आप पागल मत हो ना, अभी आया। Okay. अगर फिश नहीं मिली तो मूंगफलियाँ ले आना, कुछ भी ले आना, लेकिन जल्दी लाना। चिंटू बेटे खाना खा लिया? खाना खा लिया फिर भी उठ नहीं रहा है। चिंटू बेटे मम्मी से कहो पापा को और रोटियां चाहिए, जाओ मम्मी। अंदर जाके कहो मम्मी पापा को और रोटियां चाहिए। केशु क्या बात क्या है, आज तुमने दोपहर को खाना नहीं खाया? नहीं खाया था, खाया था। तो फिर इतनी क्यों भूख लग रही है तुम्हें?
ये तुम्हारी 12वीं रोटी है। वो क्या है कोकी, तुम खाना ही अच्छा बनाती हो तो खाने को जी करता है, यू नो। ये तारीफ तो मैं पहली बार सुन रही हूँ। नहीं, असल में बात क्या है कि कोकी, हमारी ऑफिस का जो डॉक्टर है ना, उसने कहा केशव कुलकर्णी तुम जरा अंडर वेट हो, तो जरा वजन बढ़ाने के लिए रोटियां खा रहा हूँ, यू नो। अंडर वेट? हाँ। बाहर से तो बिल्कुल नहीं लग रहे हो। नहीं नहीं, ये तो अंदर की बात है ना, बाहर से तो सब ठीक है, लेकिन अंदर से क्या? अंदर से क्या? वो जरा खोखला होता जाता हूँ। नहीं लेकिन केशव, मैं कोकी क्या? तुम बात ही करोगी कि और भी रोटियां लाओगी? जाओ और चार पांच। क्या कर रहे हो? ऐसे रोटियां खाते रहोगे तो पेट फट जाएगा। अरे फिकर मत करो कोकी, रोटियां खा के मैं बाहर जाके चक्कर लगा के आऊंगा ना, सब हजम हो जाएगा। ओके जाओ और रोटियां लेकर आओ, जाओ पांच छह लेकर आओ, जाओ। सब्जी लाया हूँ। क्या? कुछ लोग जाग रहे हैं। कहाँ है? जेब में। ये लीजिए, अब खाना शुरू कीजिए। जेब से? हाँ लीजिए लीजिए। तब तक मैं पहरा देता हूँ। लीजिए। आइए आइए। मैडम। मैडम। कुछ पत्रकार आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। नमस्कार। नहीं नहीं, अभी अब इस वक्त प्रेमा जी थकी हुई है, उनको आराम की जरूरत है। देखिए मैडम, अगर चंद सवालों के जवाब आप देंगी तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है ठीक है, नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रेमा जी सिर्फ हाँ या ना में जवाब देगी, बोलो मंजूर है? जी चलेगा। पहला सवाल हमारा ये है, क्या आपको वाकई में झोपड़पट्टी वासियों के लिए हमदर्दी है? अरे हमदर्दी नहीं होती तो अनशन क्यों करती, उनके घर में काफी दाना पानी है। देखिए आप उन्हें बोलने दीजिए। मैडम, क्या आपके मन में झोपड़पट्टी वासियों के लिए सचमुच हमदर्दी है? इसका क्या मतलब? मतलब हाँ हाँ, एक हिंच की मतलब हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, मेरा दूसरा सवाल है, क्या आपकी भूख हड़ताल के पीछे कोई राजनीतिक उद्देश्य है? ना ना, दो हिचकियां मतलब ना। अब तीसरा सवाल, क्या आप फिल्म लाइन छोड़ के पॉलिटिक्स में जाना चाहती हैं? हाँ ना। हाँ या ना? मतलब हाँ हाँ या ना, दोनों लिख दीजिए। अब तो सवाल शुरू होने से पहले इनकी हिचकियां शुरू हो गई, इसका क्या मतलब है? मतलब वो कहना चाहती है आप लोग जाइए, जाइए यहाँ से, उनको आराम की जरूरत है। आप प्लीज चलिए, प्लीज उनको आराम करने दीजिए, प्लीज। धन्यवाद। गए प्रेमा जी, वो लोग गए। रिलैक्स रिलैक्स प्रेमा जी, रिलैक्स। आपका पेट भर गया? कैसा लगा खाना? पेट तो भर गया किशोर जी, लेकिन डर के मारे कुछ स्वाद नहीं आया। मतलब आपको खाना अच्छा नहीं लगा? अच्छा है, आई मीन अच्छा था, लेकिन वो रुमाली रोटी कुछ गले में अटक गए हैं। रुमाली रोटी? रुमाली रोटी तो नहीं बनाई थी? हाँ? हाँ? प्रेमा जी, हाँ? वो रुमाली रोटी नहीं थी, ए? वो मेरा रुमाल था। सब कपड़े बराबर से गिन लो, पिछली बार तूने चिंटू के डैडी की कमीज नहीं लाई थी। भाई जी आपने दी ही नहीं। ए झूठ मत बोलो, फिर वही कमीज पहनकर तुम किसी लड़के के साथ घूम रहे थे। कोकी कोकी, लगता है झोपड़पट्टी वालों की जीत हो जाएगी। क्यों? आज चौथे दिन भी प्रेमा शालिनी की भूख हड़ताल जारी है। हाँ हाँ, दो दिन और रुको गंगा मौसी, फिर देखना भूख से बेजार प्रेमा शालिनी कैसे सीधे रास्ते पर आती है। मुझे तो लगता है उसने जरूर कोई टेढ़ा रास्ता पकड़ लिया है। क्या मतलब? उसे जरूर कोई खाना खिला रहा है, वरना चार दिन से भूख हड़ताल करने वाली प्रेमा शालिनी के गाल इतने लाल क्यों हैं? वो तो गालों पर रूज लगाती है। नहीं नहीं, वो जरूर झोपड़पट्टी वालों को चूना लगा रही है। भाई जी ये देखो साहब की जेब में क्या है। क्या है? रुमाल होगा। नहीं भाई जी, रोटी है। ये लो, शुरू करो। क्या बात है केशु,
कल तो तुम 14 रोटियां खा के आज एक भी नहीं खा रहे हो। कुकी, वो तुम जब सामने बैठती हो ना तो मैं ठीक से खाना नहीं खा सकता। ऐसी बात है। तो ठीक है, आज हम दोनों अंदर जाके खाना खाते है ना चिंटू। ओके थैंक यू कोकी। और हाँ कोकी, अंदर से गर्मा गर्म रोटियों का सेट भेजती रहना। ये क्या, हमारे सामने तो रोटियां हैं। कोकी कोकी, तुम कितनी अच्छी हो कोकी, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं नहीं रखूंगी तो और कौन रखेगा। थैंक यू, जाओ अंदर जाओ। हाँ मैं खाना खा लेता हूँ। शांति से। हाँ शांति से खाओ। मैं कहोगे खाऊंगा खाऊंगा, अच्छा लगता है मुझे। अरे तुमने इतनी जल्दी सारी रोटियां खा ली। वो क्या है कोकी, तुम जब नहीं होती हो ना तो मेरी खाने की रफ्तार एकदम से तेज हो जाती है। तुम्हारा नाम गिनीज बुक में जाना चाहिए। हाँ तो जाएगा ना, वो तो जाएगा। मैं जरा नीचे जाकर चक्कर लगाता हूँ। हाँ, ओके। साथ में रुमाल भी लेकर जाना। हा? चक्कर लगाने में रुमाल की क्या जरूरत कोकी? इसलिए इसमें हमारा फायदा है। फायदा? क्योंकि दूसरे दिन रुमाल की जगह रोटियां निकलती है। क्यों, जेब में से रोटियां कैसे निकलेगी? कैसे निकलेगी? ये बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तुम कहो तो यहाँ बाहर आउटडोर में तुम्हारे लिए एसी लगवा दूँ। हाँ, ये भूख भी बर्दाश्त नहीं होती अब मुझसे। बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, भूख तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होती, लेकिन ऐसे में आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। ऐसे स्टूपिड, 5 दिनों से हिम्मत से ही तो काम ले रही हूँ। लेकिन भूखी तो कल से ही हो। क्या हुआ सर? उसके पहले तो वो केक वो आ रहा था ना, जेबे भर भर के खाना ला रहा था तुम्हारे लिए। कल तो उसकी चोरी भी पकड़ी गई। लेकिन डॉल फिक्र मत करो, आज तुम्हारी भूख का अनशन का आखिरी दिन है। वो कैसे? अरे यहाँ के लोग गए हैं अपने लीडर के पास बातचीत करने के लिए। वो लीडर अभी आता ही होगा तुम्हें जूस पिलाने के लिए। जूस? वो कैसा होता है? मीठा मीठा, ठंडा ठंडा, ऑरेंज रंग का, गीला गीला। कब आएगा? कौन, जूस के लीडर? दोनों। अभी आएगा। मुझे आ गया जूस, मतलब लीडर। जी जी नहीं। क्यों? वो मैडम, वो इलेक्शन के सिलसिले में दिल्ली जा चुके हैं। नहीं। ओ मैडम, आपको ये अनशन और 2-4 दिन चालू रखना पड़ेगा। नहीं मैडम, मुझसे भूख और बर्दाश्त नहीं होगी। हाँ डॉल, मुझसे भी तुम्हारी भूख अब और बर्दाश्त नहीं होती। लेकिन ऐसे में क्या है कि आदमी को हिम्मत से काम लेना चाहिए। देखो ऐसे। क्या बात है केशव, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? अरे कमाल करते हो गोखले, वहाँ प्रेमा जी भूख के मारे तड़प रही है और मैं यहाँ खाना खाऊं? अरे यार, लेकिन प्रेमा जी की हड़ताल खत्म क्यों नहीं हो रही है? अरे वो लीडर यार, वो झोपड़पट्टी की मांगे पूरी करने वाला जो लीडर है वो दिल्ली चला गया। ओहो, क्या करें यार गोखले, क्या करें? आइडिया केशव, आइडिया। इतनी जल्दी आ गया? तेरे दिमाग में क्या मशीन बिठाई है तुम? तुम प्रेमा जी से जाकर कह दो कि लीडर आ रहा है। आ रहा? कौन बनेगा लीडर? तू? मैं नहीं तो अपना शर्मा, टकलू, थर्ड क्लास। लेकिन वो लीडर बनेगा? अरे प्रेमा जी के लिए वो चपरासी भी बनेगा। गुड आइडिया। What nonsense! Sir, please, sir, please, sir, please! No, it is impossible! Please, sir, प्रेमा जी की जिंदगी और मौत का सवाल है सर। और सर, प्रेमा जी को मौसमी का जूस पिलाने की आपकी ख्वाहिश भी थी। Yes, sir. क्या मैं लीडर लगता हूँ? अरे सर, आप लीडर ही लगते हैं। मतलब आप में वो सारी खूबियां है जो एक लीडर में होती है। देखिए सर, खूबी नंबर एक, आप हमेशा आश्वासन देते हैं लेकिन हमारी एक भी मांग पूरी नहीं करते। अरे तुम्हारी क्या औकात है? खूबी नंबर दो, आपकी उम्र हो चुकी है फिर भी आप कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। शट अप! अरे मैं इस कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ। यस सर है। कंपनी मुझे नहीं छोड़ रही है। यस सर, यस सर। तीसरी खूबी और आखिरी बात, आप ऊपर से नारियल लगते हैं लेकिन अंदर से पपीता। मतलब सर, आप ऊपर से कड़क लग रहे हैं लेकिन अंदर से नरम नरम लग रहे हैं सर। वो तो है, वो तो है। कहीं ना पते की बात। यस सर। तो खड़े खड़े कहाँ देख रहे हो हमार फेसवा? जल्दी से लाइए ना लेजर वा का ड्रेसवा। डॉल, डॉल होश में आओ, शांत हो जाइए। उठो ना भाई और बहनों, दोस्तों। डॉल होश में आओ, देखो लीडर जी आ गए हैं। जूस लाए हैं बाबा, लाए हैं। प्रेमा जी,
आप कौन है? केशव हूँ। और जूस कहाँ है? जूस भी लाए हैं। ये देखिए कौन आया है, ये लीडर साहब आए हैं। आपका नाम क्या है? केशव, क्या नाम है? बोलिए कुछ तो होगा। बद्री प्रसाद भी हो सकता है। हाँ, बस बद्री प्रसाद ही रखे ना। जूस कहाँ है? जूस भी लाए हैं, ये लीजिए प्रेमा जी। अडरवा कौन लाया है? आपा? जिसवा भी हमें देंगे। प्रेमा जी, जिसवा पी के अपना भूख हड़ताल समाप्त कीजिए। एक मिनट। पहले आप मुझे ये बताइए कि इस बस्ती को तोड़ने का जो आपका ऑर्डर था वो आपने वापस लिया कि नहीं लिया? अब लिया। 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 ओके, थैंक यू। लिया। जूसवा पीजिए। एक और। प्रेमा जी, आपकी भूख हड़ताल कामयाब हो चुकी है। शांतिनगर झोपड़पट्टी हटाने का ऑर्डर कैंसिल हो चुका है। मुझे मालूम है, इसलिए मैंने जूस भी पी लिया। आपको किसने बताया? ये कौन है? अरे ये लीडर वा है भाई। लेकिन ना ऑर्डर तो मेरे हाथ में है। लेकिन हमें दिया है ना भाई ऑर्डर। हमको मालूम पड़ा कि प्रेमा जी भूख हड़ताल कर रहे हैं, तो हम इतना तेजी से भागे कि हम पहले आ गए और ऑर्डर वा बाद में आया। इस भूखा वाला तो चमत्कार कर दिया। मेरा वेट 5 किलो कम हो गया। अभी 5 किलो और कम हो जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें एक और भूख हड़ताल करनी पड़ेगी। क्योंकि हमारे बिल्डिंग के गेट के बाहर किसी ने एक बहुत ही गंदा सा झोपड़ा बना लिया है।